तो आज हम काफी दिन के बाद 2 मिनट्स वाली टेक न्यूज लेके आ गए हैं फिर से आपके लिए। हम आपको बताते हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया की टॉप 10 खबरें सिर्फ 2 मिनट में। और आपके साथ मैं एक बात करना चाहता था कि मैं एनालिटिक्स चेक कर रहा था अपने कुछ दिन पहले, और मैं देख रहा हूँ कि आपके पास 2 मिनट भी नहीं है वीडियो देखने के लिए। सीरियसली, हम आपके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, इतना सारा कंटेंट तैयार करते हैं, उसको शॉर्ट करते हैं, क्रिस्प बनाते हैं, पॉइंट टू पॉइंट आपके लिए लेके आते हैं, और इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर व्यूवरशिप ना मिले तो बहुत बुरा लगता है। प्लीज़ यार वीडियो को पूरा देख के जाया करो। नमस्कार, मैं हूँ चरणजीत सिंह, आप देख रहे हैं पाजी टेक न्यूज़। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, शुरू करते हैं आज की पहली न्यूज़ के साथ। तो बहुत ही जल्दी आपको जियो के 5G फोन देखने को मिल जाएंगे और उनकी कीमत होगी सिर्फ 2500 से लेकर 3000 रुपए के अंदर। और जियो ऐसी मार्केट को कैप्चर करना चाहता है जो इस टाइम पर 2G फोन यूज़ कर रहे हैं और चाहते हैं कि वो बहुत कम पैसे के अंदर अच्छी स्पीड, अच्छी कनेक्टिविटी ले पाएं। तो फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल के अंदर 70 से ज़्यादा ऐसे सेलर्स हैं जो कि करोड़पति बन गए हैं, और 10,000 से ज़्यादा ऐसे सेलर हैं जो कि लखपति बन गए हैं। इस सेल के अंदर फ्लिपकार्ट ने बहुत ही अच्छा बिजनेस किया है और अपने सेलर्स को मालामाल कर दिया है। तो MI का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो एप्पल का मजाक उड़ाते हुए दिख रहे हैं और वो अपने बॉक्स के अंदर चार्जर को हाईलाइट करके दिखा रहे हैं, क्योंकि अभी हाल ही में एप्पल ने iPhone 12 लॉन्च किए हैं और उसके अंदर उनकी पैकेजिंग में उनके चार्जर और ईयरफोन्स नहीं आ रहे हैं। तो इसी के चलते काफी सारे रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं ऑनलाइन। तो वोडाफोन और आईडिया का एक नया ऑफर आ गया है, वीकेंड डेटा रोल ओवर। इसमें क्या होगा, जो आपका वीकडे का बचा हुआ डेटा होगा वो आप वीकेंड में कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे और वीकेंड में ज्यादा डेटा का मजा ले पाएंगे। तो पेटीएम अपना क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने वाला है बहुत ही जल्दी इंडिया के अंदर, और कहा जा रहा है आने वाले 18 महीने के अंदर कंपनी 10 लाख क्रेडिट कार्ड इशू करने वाली है अपने यूजर्स को। तो अभी गूगल पिक्सल 5 लॉन्च हुआ था और उसकी काफी सारी कंप्लेंट्स भी आनी शुरू हो गई हैं। लोगों का कहना है कि स्क्रीन और बॉडी के बीच में उनको गैप दिखने शुरू हो गए हैं। ऐसा ही कुछ पिक्सल 4 के साथ भी देखने को मिला था, उसमें भी काफी लोगों ने बॉडी को लेकर काफी सारी समस्याएं बताई थी, और पिक्सल 5 के साथ भी यही चीज हो रही है दोबारा से। MX प्लेयर में काफी सारे नए अपडेट देखने को मिलने वाले हैं आपको। अब से आप YouTube की कोई भी वीडियो MX प्लेयर में डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं, डायरेक्टली प्ले कर सकते हैं, आपको उस एप्लीकेशन को छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी के साथ साथ आपको पिंच टू जूम इन, पिंच टू जूम आउट का फीचर भी देखने को मिल जाएगा, और आप किसी भी वीडियो को मिनिमाइज कर सकते हैं और अपनी सर्च लिस्ट में किसी भी वीडियो को सर्च कर सकते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि अभी iPhone 12 लॉन्च हुआ है और एक कंपनी ने पहली बार एक 5G स्मार्टफोन लॉन्च किया है, बट कंपनी ने आपको एक चीज़ नहीं बताई कि अगर आप iPhone 12 के अंदर डुअल सिम मोड यूज़ करते हैं तो वो फ़ोन 5G नहीं रहेगा। तो इसका मतलब है अगर आप iPhone के अंदर 2 सिम यूज़ करते हैं तो आप 5G का मज़ा नहीं ले सकते हैं। तो बहुत ही जल्दी माइक्रोसॉफ्ट एक एक्सबॉक्स की ऐप लेके आने वाला है iPhone के लिए। इससे आप अपनी एक्सबॉक्स की सारी गेम्स iPhone पर डायरेक्टली स्ट्रीम कर पाएंगे उनके एप्लीकेशन के थ्रू। मुझे लगता है गेमर्स इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। तो व्हाट्सएप वेब, जो कि एक डेस्कटॉप और लैपटॉप के लिए एप्लीकेशन है, उसके अंदर अब से आप वीडियो कॉलिंग और वॉइस कॉलिंग भी कर पाएंगे। ये फीचर अभी टेस्टिंग में है और बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिल सकता है आपके डेस्कटॉप या लैपटॉप में। तो इससे वीडियो कॉलिंग और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगी किसी भी नंबर पर करने के लिए आपके अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप से। तो बस यही थी हमारी आज की टॉप 10 टेक न्यूज़ इन 2 मिनट्स। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम आपके लिए इसी तरह की वीडियोस हमेशा लेके आते रहेंगे। तो आपसे मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए हम हैं रही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते।